पेरेंट्स और बच्चों की दुनियाएं अलग हो गई। आपने भी बाद में एक लफ्ज़ बोला एक्सपोजर बच्चों के लिए, तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि मैं अपने घर में भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं और नाज़रीन आप भी देखते होंगे कि हमारे बच्चे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर गेम खेलते हैं और बड़े बड़े वायलेंट गेम खेलते हैं, और ख़ासकर बाइकिंग जो है वो कंप्यूटर गेम में बहुत तेज़ किस्म की बाइकिंग, मोटरिंग, ड्राइविंग, वहाँ एक्सीडेंट करने में उनको मज़ा आता है और वो एक्सीडेंट कर रहे होते हैं। मैं देखता हूँ PSP कंप्यूटर, इस पर मेरे बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं उनको डांट रहा होता हूँ, आपस में रेसलिंग कर रहे होते हैं। तो ये जो एग्रेशन है, ये एग्रेशन कहीं हमारे बच्चों का जो हमारा ये तफरी का निज़ाम है कहीं उससे तो पैदा नहीं हो रहा? तीनों से मेरा यह सवाल ये कि ये कहीं हम अपने बच्चों को एक्सपोजर के नाम पर कुछ ऐसी चीज़ें तो सर्व नहीं कर रहे जो उनकी एज, उनकी समझ और उनके दलील कबूल करने न करने के मादे के दरमियान को डिसबैलेंस पैदा कर रही हो? ये जो आपकी बात है वो बहुत रेलिवेंट और वैलिड है कि आज की जो सोसाइटी वो न्यूक्लियर सोसाइटी हो गई है। हम अपने पड़ोसियों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, खेल के मैदान ख़त्म हो गए। छोटे शहरों में, देहातों में बड़े बड़े मैदान हुआ करते थे जहाँ शाम में सारे बच्चे जाके खेला करते थे, अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और उसको कहीं ना कहीं कंपनी चाहिए, तो उसके लिए गेम्स आ गई हैं। अब रियल लाइफ में क्या होता है कि जैसे अभी हम दुबई से अबू धाबी जाते हैं, अलैन भी जा गए, तो अब वहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। मेरे दोस्त ड्राइव कर रहे थे, बीच में टें 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 आवाज़ आने लगी, तो मैंने पूछा भाई क्या है, इसको सीट बेल्ट भी मैं लगाया हुआ था। बोले कि जैसे ही मैं क्रॉस करता हूँ वो हमको गाड़ी में अलार्म देता है कि भाई आप ज़्यादा जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि जो गेम्स हम आज खरीद रहे हैं, लगा रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं इस किस्म की चीज़ होनी चाहिए कि एक स्पीड के आगे अगर आप जा रहे हैं तो वो जो है आपको अलार्म दे कि भाई आप ख़तरे में जा रहे हैं। एग्रेशन जो है, अगर ये सिर्फ तफरी के थोड़े वक्त के लिए है तो ठीक है, लेकिन उसको चैनलाइज करना और बाद में उसका एक समअप होना कि भाई आपने इतने लोगों को मार दिया, ठीक है गेम के लिए तो सही है लेकिन सही ज़िंदगी में ये मुनासिब चीज़ नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ, वो छोटे से बच्चे का छोटा सा जहन, छोटा सा दिमाग उस एक्सपोजर को और उस एक्सपोजर के जरिए किए गए उस प्ले को किस तरह से लेता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है।